से अपनी बहू के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी मैं नहीं नहीं मानता। मैं इसे उस बहादुर जाबाज की ऊपर ही डायरेक्ट इसको टिप्पणी मानता हूँ, और मुझे NCW ने जो एक्नॉलेज किया है और दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि न्याय मिले और ऐसे किसी भी शहीद के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभद्र टिप्पणी। सियाचिन की आग लगने की घटना में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शहीद की पत्नी स्मृति सिंह ने ये सम्मान ग्रहण किया था। इसके बाद से लगातार स्मृति और कैप्टन अंशुमान के माता पिता सुर्खियों में हैं। अंशुमान के माता पिता ने बहू पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्मृति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला भी सामने आया, जिसके खिलाफ महिला आयोग ने कड़ा एक्शन लिया। इस टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। इस मामले में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है, किसी व्यक्ति ने बहादुर जाबाज की पत्नी के ऊपर ऐसा कमेंट किया है। शहीद अंशुमान के पिता ने कहा कि उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और न्याय जरूर मिलेगा। मैं इसे अपनी बहू पर की गई अभद्र टिप्पणी नहीं मानता, बल्कि मैं अपने बहादुर जाबाज पर ही टिप्पणी मानता हूँ। बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है कि किसी व्यक्ति ने एक बहादुर जाबाज की पत्नी को ऊपर ऐसा कोई कमेंट्स किया है, और मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, और मैं इसे अपनी बहू के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी में नहीं मानता। मैं इसे उस बहादुर जाबाज की ऊपर ही डायरेक्ट इसको टिप्पणी मानता हूं, और मुझे NCW ने जो एक्नॉलेज किया है और दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज किए, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि न्याय मिले और ऐसे किसी भी शहीद के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभद्र टिप्पणी इन फ्यूचर में कोई ना करे। बता दें कि कीर्ति चक्र विजेता मरणोपरांत कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पर कथित अश्लील और आपत्तिजनक कमेंट के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक बयान जारी करके कहा कि इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 और IT अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत एक प्राथमिकी स्पेशल सेल थाने में दर्ज की गई है। जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ जल्द एक्शन होगा। बता दें कि कुछ लोगों ने शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।